हेलो एवरीवन। तो आज की मेरी वीडियो है समर रीडिंग बुक्स। तो जैसे कि अभी लॉकडाउन और शटडाउन है तो हमारे पास बहुत अधिक समय है बुक पढ़ने के लिए। मैं पांच बुक हाईली रिकमेंड करूंगा। सबसे पहली बुक द चॉइस बाय डॉक्टर इरेजर। ये 16 साल लड़की कहानी है जो अमेरिका में रहती है। ये आखिरकार जीने के लिए हमें प्रेरित करती है। ये प्रेरणादायक चिकित्सक की कहानी के बारे में बताया गया है। इसमें लोग के मदद के बारे में भी दिखाया गया है। जब लोग आघात होकर अपने बारे में अपनी खुशी के बारे में सोचते हैं लेकिन जब उनको मदद की ज़रूरत होती है तो वो अपने आशा और नियंत्रण कैसे करते हैं, ये बहुत ही कठिन कहानी है। ये एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है। इसे हमें बिल्कुल पढ़ना ही चाहिए। इस बुक को बिल्कुल ही पढ़ना ही चाहिए। अब दूसरी जो है क्लाउड एटलस बाय डेविड मिचेल। ये विचित्र किताब है और चालाकी के बारे में बताया गया है। इसमें 6 अलग युग इतिहास में बताते हैं हम लोग कैसे अपने नैतिकता को पसंद करते हैं, कैसे खुद को नियंत्रण करते हैं और बुरे लोगों से भी कैसे नियंत्रण करते हैं, अपने अलग दुनिया को कैसे आकर्षित करते हैं। ये प्रसिद्ध कहानी है। ये इंसान की प्रकृति और मानवता और उसकी बुद्धिमत्ता के बारे में भी बताया गया है। अब जो हमारी तीसरी बुक है इसे हमें बिल्कुल पढ़ना चाहिए, द राइड ऑफ ए लाइफ टाइम बाय रॉबर्ट आइजर। ये एक हतोत्साहित महान आकार के बारे में बताया गया है। इसमें कोई भी जॉब के लिए अपने मानवता के लिए कैसे वो ग्रो करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, अपनी नाजुक स्थिति को किस तरह अपने नेटवर्क को वो सेटिस्फाइड करने के लिए वो कैसे कंट्रोल करते हैं, कंज्यूम करते हैं, इसके बारे में बताया गया है। जैसे कि कोई जॉब में वो CEO हो तो इसे बिल्कुल ही पढ़ना चाहिए। अब हमारी चौथी बुक जो है उसके बारे में बात करेंगे। चौथी बुक द ग्रेट इन्फ्लुएंजा बाय जॉन एम बैरी। इसमें समझाया गया कैसे इन्फेक्शन और इम्यून सिस्टम हमारा वर्क करता है। सन 1918 में स्पेनिश में पहली महामारी आई और पूरी दुनिया ने उसका चैलेंज का फेस किया और फिर दवाई और चिकित्सा क्षेत्र लेकर आया। इसमें सर्दी जुकाम और दूरी बना के रखते हैं। अगर आप इसे अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको अच्छे से समझ आएगा। इसमें सर्दी जुकाम के सोशल डिस्टेंसिंग का भी रूल रेगुलेशन का पालन करने के बारे में बताया गया है। ये बहुत ही अच्छी बुक है, इसे भी पढ़ना चाहिए। अब हमारी पांचवी बुक जो है गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स बाय अभिजीत बनर्जी। ये भी बहुत अच्छी बुक है। ये महत्वपूर्ण किताब है हमारे समूह जाति के लिए, मानवता के लिए, कि वो अपने इकोनॉमिक्स को किस तरह ग्रो करते हैं। इसमें जानते हैं कि आर्थिक स्थिति को किस तरह समझते हैं। इसमें हम अच्छी तरह सीख लेना चाहते हैं, हम कोशिश भी करना सीखते हैं, बड़े बड़े प्रकाशन के बारे में जानते हैं, हम कैसे अमीर बने और अपनी कमी को कैसे महसूस करें, अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम होम फाइनेंशियल जो होता है उसको कैसे को पूरा करें। अगर हम अपनी आर्थिक ज्ञान के लिए किताब हमारे लिए बहुत अच्छी है। अगर इसको पढ़ें तो हमारी सोच में कुछ डेवलपमेंट होगा, इससे हमारी बहुत कुछ हल होगी। ये किताब हमारे लिए अच्छी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।